नमामि धन्वन्तरि मादि देवं सुरासुरै वंदित पाद पद्मं लोके जरार भय मृत्युनाशं दातार मीशं विविधौषधीनां शंखं चक्रं चलोकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यम शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। मैं एक मिनट लैपटॉप ऑन कर रहा हूं, मैं मोबाइल से जुड़ा हूं, दो मिनट मुझे टाइम दीजिए, तब तक हम संभाषण शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर आरती शर्मा मैम को बुलाना चाहूंगा। आरती मैम, आपके वो पेशेंट कैसे हैं जिनका आप इलाज कर रही हैं? आप अनम्यूट कर पा रही हैं क्या आरती मैम? प्रणाम सर जी, सर कर पा रही हूँ। अभी आप बिजी हैं तो कोई बात नहीं। शायद मैम बिजी हैं। ठीक है, तब तक हम विकास कुमार जी से बात करते हैं। विकास जी कैसे हैं सर, तबियत कैसा है सर आपका? प्रणाम सर, ठीक है तबियत। अभी कोई नए पेशेंट आए सर आपने जिनको ठीक किया है? इसे तो जनरल ही है सर, विशेष कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो नहीं सर, वही है, अर्श पित्तास्मरी के हैं, वृक्कास्मरी के हैं, अर्श के हैं, यही सब। तो क्या देते हैं आप वृक्कास्मरी और पित्तास्मरी में सर? सर वृक्कास्मरी में तो मैं हजरल यहूद भस्म त्रिविक्रम रस गोचुरादि गुगुल श्वेत परपटी और एक बनाता हूँ मैं अपना पाषाण भेद वरुण और गोचुर का घन बनाता हूँ, ये चीज मिला के देता हूँ। और पित्तास्मरी में क्या देते हैं सर? सर पित्तास्मरी में आपने जैसे बताया हुआ है लेक्चर में, वही सब कुछ दिया जाता है, वही सब देते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। अभी हम डॉक्टर पूजा रज मैम से बात करेंगे या आकांक्षा मैम, आप कुछ बताना चाहते हैं केस के बारे में? डॉक्टर आकांक्षा श्रीवास्तव मैम या डॉक्टर संतोष जी? सर कल एक मैम ने एजोस्पर्मिया का केस बताया था, उनसे वस्ती का पूछना था कि उन्होंने बोला था कि योग वस्ती दी थी, तो कौन सी दी थी? किससे पूछा था, किसने बताया था? शायद कमल शेल के मैम ने या उन्होंने बताया था, शायद कंचन मैम ने, इन दोनों में से किसी ने बताया था। कमल मैम ने बताया था, अभी वो आएंगी तब ना। जी सर, थैंक यू। और डॉक्टर विनीता चौहान मैम, आपके पास कोई पेशेंट आए तो बताइए कुछ एक्सपीरियंस, या डॉक्टर हरीश जी कुछ केस का बताइए एक्सपीरियंस, जो आप लोग बताते हैं ना वो सब दूसरे लोगों को बहुत काम आता है। डॉक्टर संतोष जी, आप कोई पेशेंट के बारे में बताइए, अगर आप देख रही हैं पेशेंट आजकल तो। नहीं, शायद मैम बिजी हैं।
डॉक्टर हरीश बत्रा जी आप बताएंगे सर। सब लोग बिजी हैं। फिर संभाषा कैसे होगा? डॉक्टर विनीता चौहान मैम आप पेशेंट देख रही हैं तो बताइए कुछ एक्सपीरियंस। प्रणाम सर, प्रणाम सभी लोगों को। सर आज मेरा ऑफ रहता है, आज तो नहीं देखा मैंने पेशेंट। आज नहीं, अभी पिछले हफ्ते पिछले महीने कुछ पेशेंट देखे हैं तो कुछ एक्सपीरियंस बताए। वो आपकी भांजी कैसी है अभी? ठीक है सर, वो ले रही है नसम में थोड़ा दिक्कत करती है, लेकिन बाकी बस थी और मेडिसिन चल रही। तो फिर आंखें कैसी हैं अभी उनकी, कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है? अभी सर टेस्ट नहीं करवाया है, मतलब हम सोच रहे हैं कि टेस्ट करवा लें, रेटिनोस्कोपी जो होती है वो करवाएंगे, फिर उससे पता चलेगा क्या क्या प्रोग्रेस है या फिर मतलब कितना हुआ। ठीक है सर, अभी एक पेशेंट चल रहा है मेरे पास, उसको मतलब वो मेरे पास आया था, उसकी नी में पेन हो रहा था। नी में पेन कैसे हुआ, तो उसको डायबिटीज भी है, हाइपरटेंशन भी है, तो उसको कार्डियो के लिए कह दिया, तो कार्डियो वो ट्रेडमिल पे कर रहा था, फिर उसने ट्रेडमिल इंक्लाइन कर दिया, तो उस पे उसके मतलब नी में प्रेशर आया, तो वहां पे लिगामेंटल टेयर हो गया। हेतु वगैरह मैंने पूछे तो घी वी तो बिल्कुल नहीं खाते, सारे वात वर्धक थे, वो स्प्राउट वगैरह खाना, दही खाना, ये सारे, तो वो सब बंद करवाए हैं सर, और जानो बस्ती उसकी चल रही है। बाकी मेडिसिन उसको दी हैं लाक्षा गुग्गुल और महायोगराज गुग्गुल, थोड़ा आम भी था तो आरोग्य वर्धनी, लक्षणादि वटी, ये सब दिया है दीपन पाचन के लिए। अच्छा, बहुत अच्छा सर, मतलब यही है कि हाइपरटेंशन रहता है तो शुगर रहता है, फिर उसके बाद उनको ट्रेडमिल पे इतना हैवी एक्सरसाइज करने के लिए कह देते हैं, फिर एक्सेस एक्सरसाइज से फिर वही घी नहीं खाना, रुक्षता के कारण फिर वाद बढ़ा, तो फिर वहां पे इंजरी हो गई। तो मैंने उनको कहा कि घी खाना जरूरी है, आप उस ये ट्रेडमिल वाला मत करिए, आप मॉर्निंग वॉक करिए, आप उससे आपका शुगर भी अच्छा रहेगा और ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहेगा, ये ट्रेडमिल वाला तो मत करिए। फिर मैंने उनको राजू श्रीवास्तव वाला केस बताया, मैंने कहा एक्सरसाइज से फिर दिक्कत होती है, नहीं करना चाहिए। जी सर, सही बात बताया आपने, ठीक है। और आपके पास किस तरह के पेशेंट आते हैं मैम, विनीता मैम? सर मेरे पास तो गृहिणी वाले ज्यादा आते हैं, गृहिणी दृष्टि वाले, और बस ऐसे इंजरी वाले ही आते हैं थेरेपी के, उससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले, अभी एक तो इनफर्टिलिटी का चल रहा है, और एक और आई थी उनको टेनिस एल्बो है, तो उन कल शायद वो आएंगी। उनका भी मतलब मैंने बताया था ना, दोनों कपल थे, तो दोनों के वही थे, वात प्रकोप आहार विहार थे, सब घी तेल सब बंद, और रात्रि जागरण 2-2 बजे तक रात में जगना, सुबह देर से उठना, तो ये सारे हेतु थे सर। तो हेतु सेवन पे अब जब से यहाँ ज्वाइन किया तो सर हेतु सेवन पे बहुत वो रहता है कि नहीं ये सबसे पहले बंद करवाने, क्योंकि रिजल्ट तभी अच्छा मिलता है जब पेशेंट हेतु सेवन बंद करता है। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि मेडिसिन ले जाएंगे, 15 दिन की मेडिसिन ले जाएंगे, फिर 1 महीने बाद आएंगे, फिर कहेंगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, और मेडिसिन भी उनकी बची रहती है, तो फिर लगता है कि हाँ इसने कितना सीरियसली ट्रीटमेंट लिया है। सही बात है, ऐसे भी लोग होते हैं सर। सर एक चीज मुझे पूछनी थी, मतलब जैसे पेशेंट पूछ, मतलब जैसे फल वगैरह देने, फल खाने हो किसी को, तो उसका आइडियल टाइम क्या होना चाहिए, कब खाने चाहिए? कफ का काल नहीं होना चाहिए, वो तो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है ना, आप क्या ट्रीटमेंट, क्या किसके लिए क्या दे रही हैं। अगर बच्चों को दे रही है और वो खेल कूद कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ लोग होते हैं वो रात में भी फल खा लेते हैं, कुछ लोग सुबह ब्रेकफास्ट में ही फल खाते हैं, तो मैं सुबह के लिए तो मना करती हूँ सर। साथ में पे डिपेंड करता है, कोई रात को फल खा रहे हैं उनको कोई तकलीफ नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं सर, वो कहते हैं हम लोग रात में पपाया खाते हैं तो हमारा पेट साफ रहता है, इसलिए हम रात में पपाया खाते ही खाते हैं। ठीक है ना, उनके लिए साथ में है तो ठीक है, जब तक कोई बीमारी नहीं होता है तब तक हम पथ्य नहीं बोलते हैं। पथ्य पालना कब होता है, जब कोई बीमारी हो रही है कोई भी चीज से। जी सर, और सर एक और चीज मैम, इसका प्रीता मैम हेलो, आपको इसका रेफरेंस आपको मैं ढूंढ के दूंगी, मैंने पढ़ा था, मेरे को रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, तो आपको काफी कुछ उसमें क्लियर होगा। मोस्ट प्रोबेबली मतलब एक तो सुबह खाली पेट नहीं देने के लिए बताया गया है,
खाना खाने के बाद थोड़ा एक दो फ्रूट्स खा सकते हैं, और कभी कभी जैसे सर ने बताया व्याधि के ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा फ्रूट कैसे दे रहे हैं, है ना। मतलब जैसे कि अगर रसवा स्रोत की दृष्टि है तो वहां पे आप जैसे अनार का रस वगैरह, तो ये सब आप बीच बीच में दे सकते हैं, है ना। कफ वर्धक आहार है तो उसमें केला, मतलब डिपेंड ऑन के गुणधर्म उसके क्या है, तो उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। मैं आपको रेफरेंस शेयर करूंगी ग्रुप में मैम, ठीक है। मैम ये सब तो मैं बताती हूँ कि मॉर्निंग में खाली पेट नहीं खाना है, या कफ बढ़ रहा है तो केला नहीं देना है, अनार तो वैसे भी मतलब साथ में होता है तो वो नहीं सब में चल आप जाता है, मतलब सभी। आइडियल टाइम जानना चाह रहे थे ना, जनरल। जी मैम जनरल, मतलब अगर हाँ पेशेंट कहे कि हमें किस टाइम खाना है तो वैसे तो युक्ति से तो करते ही मैम, पर हाँ जो होता है हाँ ना आइडियल वाला कि हाँ किस टाइम बिल्कुल खाना बिल्कुल चाहिए तो बिल्कुल। वो वाला। हाँ मैम मैं भेजूंगी फिर। मैम एक और चीज पूछनी थी, जैसे बहुत सारे पेशेंट को ना खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने की कार्विंग होती है, तो उसमें हम क्या दे सकते हैं? मतलब बहुत मीठा सारे लोग खाने की होते हैं कार्विंग जो होती है ना, तो ऐसे मैं तो वो जो हम लोग जीरा वगैरह, वो धनिया जो पिसी हुई रहती है ना उसके, और सौंफ जो हल्की सी होती है थोड़ी सी मीठी, बस उतना खाने के लिए बोल देते हैं, तो थोड़ा बहुत उससे उनका सेटिस्फेक्शन हो जाता है, मतलब अपने पेशेंट में। क्योंकि वैसे तो लास्ट में मधुर रसात्मक आहार नहीं लेने के लिए बताया गया है, क्योंकि कफ का वृद्धि करेगा वो, तो इसलिए मैं ऐसे ही जो मतलब मिक्स मिक्स मिक्सचर एक आता होगा ना, आपने देखा होगा जैसे धनिया सौंफ ये सारी मिक्स होती है, तो थोड़ा सा वो लेने के लिए बोल देती हूँ मैं, मुख शुद्धि के लिए, एज अ टाइप मुख शुद्धि के लिए। जी मैम मैम। जैसे मतलब किशमिश वो दे सकते हैं, मुनक्का दे सकते हैं हाँ ये उसके तो बाद, सर दे ही सकते हैं आप। हाँ खाने के बाद, क्योंकि तो हाँ दे डाइजेशन भी सकते हैं, ठीक वो कोई करेगा ना। इश्यू नहीं है। हाँ और दूसरी चीज खाने खाने के बाद ये ड्राई फ्रूट्स में आता है तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा, वो भी चलेगा। जी मैम थैंक यू मैम। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है? डॉक्टर मोनिका मैम, कंचन मैम, आप लोगों के पास कोई पेशेंट आ रहे हैं, कुछ बताने लायक है केसेस तो बताइए। एक बार पहले पहले मुझे सबको म्यूट करने दीजिए, जो भी आ रहे हैं ना तो घर की आवाज लेके आ रहे हैं। प्रणाम सर। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, मैं अभी जब अनम्यूट करने का बोलता हूँ तब। हाँ अब अनम्यूट करिए। प्रणाम प्रणाम सर। प्रणाम पवन सर। जी, कैसे हैं पवन जी? आप तो बढ़िया हवा सर। में हो गए, कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं, क्या हो गया? विनीता मैम का क्वेश्चन था, फ्रूट आइडली कब खाना चाहिए? फ्रूट आइडली 11 to 6 का टाइम, मतलब उस काल में खाना चाहिए, और जो भी फ्रूट खाए वो सिंगल फ्रूट खाए, मिक्स फ्रूट ना खाए कभी भी, और सीजनल फ्रूट खाए। और बाकी अपनी युक्ति के अनुसार जिसको जो पेशेंट है, जैसे केला की बात हो रही थी, केला किसको नहीं देना है, आम किसको नहीं देना है, तो वो उसी उसमें अपनी युक्ति लगाए। बाकी 11 to 6 इज द बेस्ट टाइम। थैंक यू पवन सर। मैं वैसे मोस्टली 10 to 2 बोलती हूँ, पित्त का जो काल होता है उसमें खाने के लिए बोलती हूँ फ्रूट। बाकी आप अपनी मैम युक्ति के अनुसार, एक सिंगल फ्रूट खाए मैम, मिक्स फ्रूट का कल्चर है, मिक्स फ्रूट सैलेड का, कई बार वो उसमें दही में मिला के लोग खा लेते हैं, कहीं क्रीम में मिला के लोग खा लेते हैं, वो आम के अलावा और कुछ भी नहीं देगा, नहीं सर ग्रहणी उसके लिए दृष्टि तो ही मैं करेगा वो। हाँ मना ही करती हूँ, मिक्स फ्रूट सैलेड और मिक्स वेज सैलेड दोनों के लिए मना करती हूँ कि एक टाइम पे आप एक ही फ्रूट या एक ही वेजिटेबल लीजिए, मिक्स नहीं। बढ़िया, थैंक यू पवन सर। थैंक यू जी। जी अभी ना बहुत अच्छी डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर कंचन मैम, ये एक कोई केस बताएंगी, आप लोग सुनिए। कंचन मैम आप कोई केस बताइए अगर आप फ्री हैं तो। प्रणाम सर। हाँ कोई केस बताइए आपने जो अभी ठीक किया या चल रहा है, कुछ बताइए आप। सर मैंने वो लास्ट टाइम आपको जो हर्नियोप्लास्टी हुई थी ना, वो लेडी में 71 एज की, तो मैंने हाँ ग्रुप से डिस्कस किया था उसके बारे में, तो वो तब 50% रिकवरी स्टार्ट हो गया था, आफ्टर 20 डेज ही 50% रिकवरी आ गया था, पर पूरा उसको हील होने के लिए सर पूरा 3 महीना हो गया अभी, और पूरा का पूरा हील हो गया सर, एकदम मस्त, मतलब ऊपर तक पूरा हील हो गया। जैसे मैं हर 15 to 20 डेज में वो फीमेल को बुलाती थी, देखती थी, तो जैसे होल जो था वो धीरे 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 श्रिंक होते 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 पूरा अभी तो पूरा हील हो गया सर, तो बस कैसे कैसे हील किया आपने हर्निया का जो है परफोरेशन, कैसे हील किया? सर उसमें तो मैंने वंग भस्म का, कोई तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, चलिए बोलिए। वंग भस्म, कासेस भस्म, स्फटिक भस्म, गिलोय दिया था सर, गिलोय सत और रस सिंदूर ऐड करके ऐसे पुड़िया बना के दी थी, एकेटी दिया था,
और सूक्ष्मद्रि फैला दिया था सर, और जैसे जैसे वो पूरा हील हो गया था मुझे लगा था कि अभी 80% 90% ठीक हो गया है, तो मैंने वहां पे उनको कायाकल्प तेल अप्लाई करने के लिए बोला था। यहाँ पे मैंने धावन नहीं दिया था, पर ये काफी अच्छे से मतलब मुझे 20 डेज में ही काफी अच्छा रिजल्ट दिखा था, जब उन्होंने ड्रेन वगैरह डालना मतलब वो डॉक्टर ने बुलाया था उनको ड्रेन डालने के लिए, तो 20 डेज के बाद उन्होंने बोल दिया था कि अभी काफी अच्छे से हील हो रहा है, इसे हील होने दो, ड्रेन नहीं डालते हैं। तो अभी वो पूरा वो जो डॉक्टर के पास फिर से जाके आए वो, तो अभी बोलते हैं कि आप बच गए हो, मतलब ये पता नहीं कैसे मिरेकल हो गया, होता है, हो सकता है, बोले कि बस खाली ड्रेसिंग कर रहे थे हम इसलिए हो गया, क्योंकि उनका कोई मेडिसिन नहीं चल रहा था सर एलोपैथी का, इसमें बस वो ड्रेसिंग कराने जाते थे, और अभी तो एक महीने से पूरा ड्रेसिंग भी बंद कर दिया था उन्होंने, घर पे ही कर रहे थे, तो घर पे जब कर रहे थे तब मैंने कायाकल्प ऑयल स्टार्ट किया था अप्लाई करना, तो काफी अच्छा रिजल्ट आया सर। दोनों भी हस्बैंड वाइफ आए थे आज, वो गांव जाना चाहते थे दिवाली के पहले, तो वो बोल रहे थे आपने मतलब पॉसिबल कर दिया, बोले कि मुझे नहीं लग रहा था, बोले कि बेटे के घर पे अभी इतने दिन रहो, तो वो गांव से है सर, बिहार से है कुछ, तो अभी शायद आप यहाँ सारे डॉक्टर्स को पूछे किसी ने देखा है कि हर्नियेशन का परफोरेशन जो है वो मेडिसिन से ठीक कर दिया किसी ने, या हमारी कंचन मैम ने कर दिया? सब लोग बधाई दीजिए मैम को। सर मैं उसका पिक्चर फिर से डालती हूँ। कांग्रेचुलेशन मैम। क्या क्या दिया था वो भी बताइए आप, ताकि लोग सोचेंगे उस हिसाब से। सर उसमें मैंने वंग भस्म, स्फटिक भस्म, काशिस भस्म, रस सिंदूर और गिलोय सत्य से पूरा पुड़िया मिक्स करके दिया था, और AKT दिया था और सूक्ष्म त्रिफला दिया था, और उनका पहले तो शुरू में मैंने 1 मंथ के लिए मैंने बोल दिया था कि जैसे ड्रेसिंग चल रहा है वैसे ही चलने दो, क्योंकि वो पेशेंट एक तो ओल्ड एज था और मेरे पास नहीं आ पा रहा था और मैं भी नहीं जा पा रही थी, तो उनको बोला था जैसे आप हॉस्पिटल में लेके जा रहे हो वैसे ही चालू रखो, क्योंकि KM एकदम पास में था उनके घर के पास, तो वो वैसे ही जा रहे थे KM में, जैसे जैसे बुला रहे थे वैसे वैसे जा रहे थे। फिर जैसे अभी मुझे लगा कि नहीं अभी वो डॉक्टर खुद बोले कि अभी ड्रेसिंग की जरूरत नहीं है आप घर पे ही रहो, तो मैंने वहां पे कायाकल्प तेल अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, और जो होल था उसमें बोला था कि मैंने वो कायाकल्प ऑयल थोड़ा सा अंदर भी डालते जाओ, तो जैसे जैसे होल पूरा श्रिंक हो गया ना, तो अभी 20 डेज पहले आए थे मुझे लग रहा था एकदम मतलब ऐसे पिन पॉइंट टाइप होल दिख ही रहा था मुझे, तो मैंने उनको बोला था ये अभी बस हार्डली 15 to 20 डेज लेगा शायद ऊपर तक, अभी तो ऊपर वाली स्किन भी ड्राई होना स्टार्ट हो गई है, अभी थोड़ा सा मैंने उनको बोला 2-3 दिन के बाद थोड़ा खुला रखना स्टार्ट करे, ताकि वो जो ऊपर वाला लेयर है वो भी थोड़ा सा ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा और वो हील हो जाएगा पूरा का पूरा। जी सर देखिए ऐसी है हमारी कंचन मैम, कितना अच्छा से मन लगा के पेशेंट पे रिसर्च करके दवाई देती हैं। थैंक यू सर, सर आपका आशीर्वाद है सर। मेनी कांग्रेचुलेशंस मैम, वेल डन। थैंक यू मैम। ठीक है आप लोग थोड़ा 5 मिनट संभालेंगे, मैंने बहुत सारे लोगों को होस्ट बनाया, 5 मिनट में मैं आता हूँ, ठीक है आप लोग संभालिए मैं अभी आता हूँ। और कोई भी अपनी सक्सेस स्टोरी बताना चाहता है तो प्लीज बताइए, सबको एनकरेजमेंट मिलता है। आज तो उषा मैम ने बहुत अच्छे अच्छे अपने योग डाले थे। उषा मैम है क्या? जी मैम, और उषा मैम का ना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमेशा एकदम अलग रहता है, उषा मैम का, आरती मैम का, आशा मैम का, इन लोगों का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मतलब एकदम अलग ही रहता है, जो हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते ना उस टाइप का रहता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है कि हाँ इस तरह से भी ट्रीट किया जा सकता है। युक्ति लगाते ना मैम ये लोग। जी मैम। मुझे एक चीज पूछनी थी मैम, मतलब एक पेशेंट है वो 43 ईयर ओल्ड है, तो बहुत सारे उसको वार्ट हैं जेनिटल एरिया में, तो उसमें अप्लाई करने के लिए क्या दे सकते हैं, मतलब वो पूरे जेनिटल एरिया में? मैम यस मैम, जेनिटल एरिया में जी मैम, उसमें ना पोडोवार्ट बहुत अच्छा काम करती है, मेरा तो खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने
जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी तो हमने एक पेशेंट देखा था, उसको थे मैम वॉर्ट्स बहुत सारे, तो उसमें क्या करते थे कि कोई भी एंटीबायोटिक क्रीम साइड में उसका वो करके ना, ताकि वो टच नहीं करे, पूरी स्किन को टच नहीं करे, हार्म नहीं हो, उसको कवर करके साइड्स को, और उसके बाद उस पर टच कर देते थे। तो ऐसे सिटिंग्स होती थी मैम अलग अलग। ओके, तो पेशेंट को भी बता सकते हैं कि somebody can help her at home, तो उसमें वो अपने आप ही उसको कवर करके साइड से, पूरी दवाई से कवर करके, और फिर उसको टच करते रहे, तो उससे काफी पोडोवार्ट है, वार्टोसिन है, उससे मैम रिड्यूस हो जाते हैं। बाकी और भी सभी लोग जो हैं ग्रुप में अपना अपना एक्सपीरियंस बताइए। आरती मैम आपका कोई एक्सपीरियंस है क्या वार्ट्स को लेके? जरूर होगा मैम, आरती मैम का तो पक्का, इतने पेशेंट्स देखते हैं वो। हेलो, सुनिए ना, उसके बहुत हैं, मतलब पूरे जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं ना सब पे हैं, लेजर मेजोरा माइनोरा सब पे ही हैं उसके। मैम किसी का मतलब किसी ने एक्सपीरियंस शेयर किया था अपने ग्रुप में 2 महीने पहले शायद, तो वहां पे एप्पल सिडर विनेगर लगाने के लिए बोला था और काफी अच्छा रिजल्ट था, शायद विनीता शुक्ला मैम थे वो। नहीं मैम, मैंने ही अपने पेशेंट को दिया था, लेकिन उसका वो एनल रीजन में था, एप्पल साइडर विनेगर, उससे इफेक्ट तो आता है मैम, लेकिन ये बहुत बर्निंग कॉज करता है ना। डॉक्टर मीनू बत्रा ने किया था, उन्होंने फोटो भी डाली थी उनकी, एप्पल साइडर विनेगर। जी मैम, जी मैम। मैम आपका क्या एक्सपीरियंस है आरती मैम? चरम रोग नाशक ऑयल जो है वो भी इसमें अच्छा काम करता है, बट कोई 100% इसमें इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता। जी मैम, और करंज तेल और चरम रोग नाशक और खुद का बनाया हुआ नीम बादी तेल अगर खुद बनाओ। मैंने इसमें दो चीजें है ना मैम, दो चीजें इसमें, पहली बात तो हेतु के हुआ क्यों, उस पर काम करना पड़ेगा ताकि आगे नहीं हो, और प्लस जो हो गए हैं उनको खत्म करना, तो ये दोनों चीजों पे काम करना पड़ेगा ना मैम। तो उसमें हेतु क्या मिला आपको मैम, क्या रीजन है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कुछ है क्या, वैसा कुछ है या अदरवाइज कुछ है, स्किन टैग टाइप में कुछ है, क्या लगा मैम आपको इसमें? मैम मुझे तो एसटीडी लगा, उसके हस्बैंड को भी शायद ही प्रॉब्लम थी। चांसेस एसटीडी के ही होते हैं मैम यूजुअली, जो मैं बता रही हूँ उस पेशेंट का भी यही था कि उसके हस्बैंड का शायद से कुछ इस तरह से था, कुछ वो पॉलिटिक्स वगैरह में थे, और वो न्यूली वेड गर्ल थी, उसका पूरी वजाइना मैम फुल हो गई थी बॉट से, तो काफी पेनफुल लगता था उसको देख के भी कि कितना खराब हुआ उसके साथ, लेकिन मैम वो ट्रीटमेंट उसको ऐसे ही दिया था। पर उस टाइम पे तो मैम हमें आयुर्वेद का तो इतना नहीं पता होता था, तो हमने वॉटसिन से उसका लोकली किया था, लेकिन वही है कि अगेन कि अंदर से भी, क्योंकि जैसे मैम बता रहे हैं कि निम्बादी तेल वगैरह से करना है, ऐसे अंदर भी कुछ स्किन रक्त शोधक इस तरह की दवाइयां अपने को देनी पड़ेंगी, उसमें दोषों के अंशांश कल्पना करके ना कि कौन सा दोष उसमें ज्यादा प्रकोपित है, उसके अकॉर्डिंगली उसको कुछ ना कुछ इंटरनली भी हमें रक्त शोधक को साथ में उस तरह की दवाई देनी पड़ेगी, जिससे वो वापस ना हो, गुलगुल तिक्तक घृतम या महातिक्तक घृतम कुछ इस तरह का योग देना पड़ेगा मैम, मुझे ऐसा लगता है। मेरा भी एक पेशेंट था ना, तो एनल वार्ट उसके भी बहुत ज्यादा थे, मतलब मेल पेशेंट था, एनल वार्ट बहुत ज्यादा थे, उसमें मैंने ये एप्पल साइडर विनेगर मतलब और चीजें भी दी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसका जेनिटल एरिया काफी सेंसिटिव है, तो ये उससे उसको बहुत बर्निंग होती है, तो मैं सोची थी कुछ ऐसा हो कि उसको बहुत दिक्कत भी ना हो और ठीक हो जाए। उस वाले पेशेंट को तो मैंने 2-3 मंथ दिया था ट्रीटमेंट, तो उसके एकदम क्योर हो गए थे, रिकरेंस भी नहीं हुआ। जी, और भी कोई कंचन मैम या आकांक्षा मैम आपका कोई एक्सपीरियंस हो, विकास जी, बाकी लोग हैं, के एन गंगवार सर हैं अपने यहाँ पे, कोई किसी का कोई एक्सपीरियंस हो इसमें तो बताइए प्लीज। जैसे सेंसिटिव जगह है तो एप्पल विनेगर तो वहाँ देंगे नहीं, वहाँ पर एलोवेरा और हरिद्रा का मिला के लेप लगा दिया जाए तो वो भी काम करता है। सर थोड़ा सा सॉफ्ट में रखना पड़ेगा, सॉफ्ट में रखना पड़ेगा मैम, सही बोल रहे हैं, क्योंकि यूजुअली एनल रीजन के ही अधिकतर मैंने भी मतलब जो पेशेंट देखा है ऐसे ही देखे हैं, इस रीजन में जेनिटल रीजन में अभी देखा नहीं है, और पर्सनल तो कुछ नहीं है, लेकिन इसमें अगर हम थोड़ा सा अगर देखें कि वॉर्ट्स की मतलब क्यों बने हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं ये बांस धातु की दृष्टि हो रही है, ठीक है, तो आप इसमें मांस पाचक और कहीं ना कहीं ये जो स्वरूप होता है ये थोड़ा सा हार्डनेस ले लेता है कई पेशेंट्स में, है ना, एकदम जैसे स्टोनी लाइक स्ट्रक्चर जैसे की तरह दिखने लगता है, तो यहाँ पे मस्ती मजा पाचक मांस पाचक की तरह अगर यूज करके देखें और साथ में रक्त पाचक जैसे बताया आपने उसको कंटिन्यू करें, और लोकल एप्लीकेशन के लिए जैसे आप सर ने बताया थोड़ा सा सौम्य में ऐसे हरिद्रा गिलोय भी अच्छा काम कर सकता है इसमें, और ताकि उसमें थोड़ा सा सॉफ्टनेस बना रहे, और इवन जाते सॉरी शतधौत घृत का लोकल एप्लीकेशन, ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर हम करके देख सकते हैं तो मे बी हमको रिजल्ट्स मिलेंगे अच्छे।
रक्त पर काम करेंगे, ठीक है आपने जो बताया, नहीं है। हाँ, जी। रक्त पर जो आपने बताया ठीक है, उसके साथ थोड़ा मैं यूज करता हूँ कांचनार गुगुल और कुटकी चूर थोड़ा साथ में मिला के, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बाकी मेदो पाचक मांस पाचक और रक्त पाचक तो चल रहा है उसका, और हाँ। ये एप्पल साइडर विनेगर भी दिया था लेकिन वो बहुत ज्यादा यूज नहीं, तो उसको ज्यादा समय नहीं लगाइए ना, अगर वो जितना बर्दाश्त कर पाए उतना ही लगाइए, और ज्यादा दिक्कत हो तो मत लगाइए। 15 मिनट 15 मिनट बोला है सर मैंने उसको। हाँ, कुछ देर लगा के उसके बाद फिर इसको अप्लाई कर दीजिए आप, ये एलोवेरा और हरिद्रा का, तो ये सौम्य है, उसकी जलन कम कर देता है, दिक्कत भी नहीं होती है, रिजल्ट भी अच्छा आता है। जी जी विकास सर, आपका एक्सपीरियंस है सर ऐसे पेशेंट्स में, आपको कितने दिन हाँ, में रिजल्ट किया। मिला सर? अब जैसे देखिए वार्ट है तो कोई किसी किसी का बहुत हार्डनेस रहता है, तो हार्ड है तो फिर ज्यादा समय लगता है, जैसे उतना हार्ड नहीं होता है तो जल्दी हो जाता है। जी, बाकी बाकी रिजल्ट तो मेरे तो 10-15 दिन में ही आ जाता है, नहीं आया तो पेशेंट ही भागने लगते हैं, इसलिए सब करना पड़ता है जल्दी रिजल्ट आने के लिए। बाकी आप अपना बनाया हुआ या सर का वो मांस पाचक मेदो पाचक साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं, रक्त पाचक या ताप्यादि लो, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मांस पाचक चल रहा है सर उसका, रक्त पाचक चल रहा है, और वही मैम इसमें अस्थि मज्जा पाचक का तेल सिद्ध करके लिए लोकल एप्लीकेशन के लिए लगाने के लिए दीजिए आप। ओके मैम, ओके मैम, हाँ ये भी ट्राई करके देखिए इस पेशेंट में। हाँ मैम, उसका बोलते हैं हार्ड तो नहीं रहे क्योंकि विनेगर यूज किया तो उतने हार्ड नहीं रहे, बस ये है कि विनेगर क्वांटिटी में लगा नहीं पा रही ना क्योंकि जलता है तो वो। ठीक है मैम, तो फिर नॉर्मली अगर इतना टफनेस नहीं है तो फिर इसी से कवर हो जाना चाहिए फिर। बाकी देखिए अरविंद सर आते हैं तो और क्या गाइड करते हैं, एक बार अंजना मैम भी आ गए, अंजना मैम से भी ले लेते हैं ओपिनियन। हाँ, अंजना बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैम अंजना मैम आप हैं क्या? हाँ मैं हूँ तो, लेकिन क्या क्वेश्चन क्या चल रहा था मुझे कुछ पता नहीं। मैम एक्चुअली, हाँ जी मैम, एक्चुअली जेनाइटल वार्ड्स के लिए पूछ रहे हैं कि कोई क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वार्ड्स हैं जेनाइटल एरिया में, फीमेल है उसको, तो उसके लिए, और एसटीडी ही सस्पेक्टेड है, तो उसमें क्या मैम कर सकते हैं उसके लिए पूछ रहे हैं। हाँ VDRL वगैरह ही होता है वो, जनरली जो है स्टडीज होती है, तो पेशेंट को ये कफ की हिस्ट्री है, कितना पुरानी हिस्ट्री है या कुछ इन्वेस्टिगेशन हुए? नियर अबाउट 2 मंथ हो गए हैं उसको। अच्छा, तो क्या वो साइज इंक्रीजिंग हो रहा है कि मतलब उतना ही बना हुआ है? नहीं मैम, इंक्रीज हो रहा है, शुरू में तो 2-4 थे, फिर उसने बताया फिर पूरा मतलब वो एकदम से एरिया पूरा लेबिया मेजोरा माइनोरा काफी तो वहां तक हो गया है, क्लाइटोरिस पे भी है। हाँ तो जनरली क्या है ना, जैसे कि वहां पे हम लोग को लेखन द्रव्य, जैसे अर्क पत्र का जो दुग्ध नहीं होता है, यस मैम, अर्क अर्क पत्र के दूध को ना अगर आप थोड़ा सा जो है कहना चाहिए कि अगर मेनशिल जो होती है मनशिला, उसको पहले, हाँ उसको पहले घिस लिया जाए अच्छे से, और थोड़ा सा मतलब जैसे वो जो ईयरबड होती है उसी ईयरबड से लेके, और उसमें जो है मनशिला को लेके और उसका दूध लेके अगर उसको पिन पॉइंट करके लगाया जाए, है ना, तो उसका कर्म क्षारीय कर्म होता है वहाँ पे, और फिर उसके बाद जैसे लगाने के बाद उसको थोड़ा सा मतलब हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं। पहले मैं क्या करती हूँ कि जो छोटे छोटे हैं, मानिए जैसे आप कह रहे हो ना मल्टीपल हैं, तो जो छोटे छोटे हैं वहाँ पे आप उसको पहले लगा दीजिए, और उसके बाद उसको वही जैसे वाश करने के लिए, तुरंत वाश नहीं करना है, थोड़ा गौमूत्र अर्क भी मिला देते हैं कभी कभी हम लोग उसमें, है ना, तो इस तरह से, क्योंकि अर्क वगैरह हम लोग के पास तैयार होके आता है, फिर उसके बाद उसको वरुण शिग्रु क्वाथ बना के या फिर शिग्रु का पत्र का लेप लगवा देते हैं वहाँ पे, या फिर वरुण शिग्रु क्वाथ बना के उसमें हॉट सीड्स बाथ वगैरह हम यूज करते हैं, और समटाइम्स पेशेंट अगर इतना कर पाता है तो बहुत अच्छा है, अगर पेशेंट इतना भी नहीं कर पाता है तो सिंपल उसको फिर वही बताते हैं कि जनरली जो इस तरह की मेडिसिन है, टंकड़ है ना, टंकड़ का भी थोड़ा सा यहाँ काम होता है, और टंकड़ के साथ भी हम कोशिश करते हैं अपामार्ग क्षार ले लेते हैं, क्षार को थोड़ा सा टंकड़ के साथ मिला देते हैं, और उसके साथ में फिर से 5 तक की घृत कर ले लिया, मतलब एक मलहम टाइप का बनाते हैं उसको, जो है स्मॉल स्मॉल लगाते हैं, और फिर धीरे धीरे उसका इफेक्ट देखते हैं। तो जो छोटे छोटे होते हैं या जैसे कहते हैं ना कि साध्य, जिसमें साध्यता ज्यादा लगती है कि ये जल्दी ठीक हो जाएंगे, पहले मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ, तो मुझे लगता है कि वो अगला बनना भी बंद होता है और अग्रणी दृष्टि पे भी थोड़ा काम करना पड़ता है। बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों ने क्या क्या लगाया, किसी ने अपना अपना आइडिया दीजिए। विनीता मैम आपने क्या दिया मेडिसिन? मैम मेरे पास पहले एक पेशेंट था, वो तो एनल वार्ड का था, तो उसमें मैंने एप्पल साइडर विनेगर दिया था,
फिर उसके साथ इंटरनल मेडिसिन दिए थे, कांचनार, गुगुल, मांस पाचक, सूक्ष्म त्रिफला, ये दिया था। अभी इस पेशेंट को मैंने विनेगर दिया लगाने के लिए, लेकिन उससे उसको बर्निंग हो रही है। सॉफ्ट तो हुए हैं, कुछ कम भी हुए हैं, लेकिन बर्निंग हो रही है। तो कुछ मतलब मैं एप्लीकेशन के लिए कुछ ऐसा चाह रही थी कि उसको प्रॉब्लम ना हो, ठीक भी हो जाए। इंटरनली उसको मांस पाचक चल रहा है, रक्त पाचक चल रहा है, सूक्ष्म त्रिफला चल रहा है। ज्यादा ज्यादा बर्निंग है तो फिर पहले पंचतीर्थ का लेप करवा दीजिए, है ना, और उसके उसमें जो है थोड़ा शिगरु कल्क मिलवा दीजिए, ठीक है। पंचतीर्थ व्रत में शिगरु पत्र का कल्क बनवा के पंचतीर्थ व्रत के साथ मिला के देखिए, मुझे लगता है उसको तो ज्यादा जलन नहीं होना चाहिए। मैम शिगरु पत्र तो यहाँ नहीं मिल पाएगा। मैम मैम जो नीम का वो रहता है ना सीड, उसको निमोली बोलते हैं हम लोग, निमोली उसका, हाँ, जो उसका ओरिजिनली अगर आप उसका ऑयल बनाएंगे ना, और जो हरिद्रा है, जो हल्दी है, उसको उसका और उसको उसमें ही हल्दी का कल्क डालकर अगर आप डायरेक्ट उसको लेप करेंगे, उससे उसको बेनिफिट भी होगा और उसको इमीडिएट रिजल्ट आएगा। उसको कोई बर्निंग सेंसेशन या इचिंग भी है? हाँ मैम, इचिंग भी है, इचिंग भी काफी है। तो जो नीम वाला होता है उससे बहुत ही जल्दी इफेक्ट आता है। और उसके अलावा आप उसको देवदार वरिष्ठ दे सकते हैं। देवदार वरिष्ठ का इस चीज में बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। और एक उपदंश कुठार वटी आती है, कौन सी कंपनी की मैम? कृष्ण गोपाल की भी आती है और किसी और कंपनी की भी आती होगी, बट मैंने इसी की यूज की है। तो इसमें बहुत अच्छा काम करता है। और एक कोई बहुत पुरानी बुक में कोई योग था, वो उसमें कॉपर सल्फेट पड़ता है आफ्टर प्यूरिफिकेशन। मेरे को वो ध्यान नहीं, मैं देख के आपको बता दूंगी। तो वो भी तुथ हो गया ना, तुथ, हाँ, तुथ भस्म पड़ती है उसमें। तो वो भी इसमें मतलब योग दिया जा सकता है। नहीं तो आप सिर्फ अगर देवदार वरिष्ठ और ये जैसे मैम ने भी काफी अच्छा बताया, और निम्ब का जो तेल, ओरिजिनल निमोली का तेल, और जो महानिम्ब है वो भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है। एक मैंने एक ऑयल बनाया था, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, उसमें मेरे से एक्सीडेंटली महानिम्ब ऐड हो गया था। मैंने करना नीम था, पर महानिम्ब से मैंने क्या देखा, उसके स्किन पे जितने भी इरप्शन थे, उसके पूरी बैक पे, हिप एरिया पे पेशेंट, ये ना बहुत सारे लम्ब्स थे और स्किन इरप्शन थी, मतलब उसका ऐसे फंगल इन्फेक्शन जैसा पूरा गला हुआ था वो एरिया। तो उसको मैंने नीम का देना था, बट नीम की जगह मेरे से महानिम पड़ गया था। तो महानिम से उसका इंटरनल यूज कराया मैंने उसको, तो इंटरनली उसका पूरा क्लीन हो गया था, मतलब उसको विरेचन कराया था उससे। जी मैम, तो इससे अच्छा रिजल्ट आता है। बट जी मैम, महानिम का क्या कैसे दिया था आपने? मैम मैंने खुद ही उसका ऑयल बनाया था, ऑयल बना के इंटरनल यूज के लिए दिया। ऑयल नहीं, सॉरी, घृत बनाया था। जी जी, ओके, अकेला महानिम नहीं था उसमें, मतलब तीन चार चीजें और भी थी, अकेला महानिम नहीं था, क्योंकि अकेला महानिम तो शायद गर्म हो जाता, कहीं पेशेंट्स को नहीं सूट करता, वमन होता मैम फिर उससे। हाँ हाँ, तो अकेला महानिम नहीं था उसमें, और भी कई चीजें ऐड की थी। तो उससे पेशेंट को विरेचन करते ही उसके सारे लम्स और जितने इरप्शन थी बॉडी में, मतलब ऐसी गांठ है जो कितने कितने उसको मेरे ख्याल साल से भी ऊपर हो गया था, तो वो सारा उसका मतलब उसी टाइम ड्यूरिंग इनटेक ऑफ घी उसका वो घृत पानी वो सारा डिसॉल्व हो गया था पूरा। और लास्ट एक बार पूरा वो बताएंगे, बाद में देख के बता दीजिएगा एक बार कि क्या आपने और क्या डाला था उसके अंदर पंचतिक्त घृत नहीं बनाया था। मैंने जितनी ये रक्त शोधक ये मेडिसिन है, ये सारी जो मेरे आसपास लगी हुई थी उन्हीं की छाल और ये सारा फ्रेश कलेक्ट करके फ्रेश ही बनाया था। मैंने डाला था ग्रुप में, मेरे को मैंने लिखा नहीं एक्चुअली, मैंने लास्ट मंथ में बनाया था, तो मैंने ग्रुप में डालो, पता नहीं इस मंथ में, पता नहीं लास्ट मंथ में। हाँ मैम, लास्ट मंथ में आपने एक डाला तो था मैम, बनाते बनाते डाला था मैंने। हाँ मैंने बनाते बनाते डाला भी था, और मैंने एक्चुअली ग्रुप में पूछा था कि नीम और महानिम में क्या फर्क है। बिल्कुल गलती से मेरे से महानिम डल गया था, बट वो गलती बहुत अच्छी हुई और पेशेंट का ठीक हो गया। जी मैम, जी मैम, जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू आरती मैम, थैंक यू अंजना मैम। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। सर आप भी अपने वो दीजिए इस पे। इसमें आप क्या कर सकते हैं, उपदंश सूर्य रस, रस माणिक्य, आरोग्यवर्धनी वटी, और यही सब देते हैं तो ठीक हो जाते हैं पेशेंट। रस माणिक्य का या हड़ताल भस्म का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है ऐसे कंडीशन में। इंटरनली देना है, एक एक चुटकी, ज्यादा नहीं देना है, एक एक चुटकी का ऐसे पुड़ी बना के दीजिए। जी सर। हाँ,
और अगर व्रण अगर हो रहा है बहुत ज्यादा, ऐसे पानी वगैरह आ रहा है तो सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी देते हैं, पस अगर आ रहा है तो। पस नहीं आ रहा सर, वो है ना वार्ट एंजाइटल, तो उसको मतलब बर्निंग है, वो एप्पल साइडर विनेगर दिया था ना अप्लाई करने के लिए, बर्निंग है, इचिंग है, सूक्ष्म त्रिफला चल रहा है। बर्निंग है तो ये गंधक रसायन दे देंगे तो अच्छा फायदा होगा, या बर्नगन जो भी शीत विरत्मक द्रव्य है, बर्नगन भी अच्छा रहेगा, उष्टकनगन। मेन दवाई के साथ में सपोर्टिव कुछ दवाई देना पड़ता है जी सर। हाँ, और हुआ क्यों वो सब, मतलब वो हेतु बंद करना चाहिए, वो तो हम समझ सकते हैं एसटीडी है, लेकिन आगे ना हो इसके लिए हेतु बंद होना चाहिए। जी सर, ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। हाँ, और बताइए आप लोग, डॉक्टर आशा मैम। एक चीज का और ख्याल करना है, अगर ये पेशेंट मतलब मैरिड है तो हस्बैंड वाइफ दोनों को ये आप दें। और किसी ने अभी पूछा था, कमल मैम का नाम याद किया था, कमल मैम आ चुकी हैं। जी सर, मैंने पूछा था उन, वो मैम ने एजियोस्पर्मिया का बताया था, तो मैंने वस्ती का पूछना था और योग वस्ती मैम ने बताया था, तो किससे दिया था? आ गई मैम, कमल मैम, उपाय शेल्के मैम, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा, थोड़ा नेटवर्क एरिया में आइए। आइए, ठीक है, ठीक है सर, बोलिए ना सर। हेलो, मैम पूछ रही है कुछ। हाँ बोलिए ना मैम। हेलो, हाँ जी, प्रणाम मैम। वो आपने एक कल एजियोस्पर्मिया का एक सक्सेस केस बताया था ना, 20 मिलियन से 120 मिलियन हो गया था जिसमें। हाँ, 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 उसमें मैंने वो तो, आपने बताया था कि योग वस्ती दी थी और नॉर्मल वस्ती, वो थोड़ा वस्ती का पूछना था, किस चीज से किया था? योग वस्ती में मैम पहले 15 डेज पेशेंट को दीपन पाचन दिया, दीपन पाचन के बाद पेशेंट का मृदु विरेचन कैस्टर ऑयल से और गंधर्व हृतिक से डे बाय डे करके, और मात्रा बस्ती सहचर तेल की 15 डेज दी। उसके बाद पेशेंट का निर्वह प्लान किया था, और जो सहचरादि तेल की दी थी तो 100 ml दी थी, उसके बाद निर्वह एरन मुलादी। और एरन मुलादी में मैम मैंने थोड़ा सा एक ही शुक्र रक्तवाचक मानो मैंने क्या किया था उसमें एरन मूल का पूरा, और मैम आपकी वॉइस कट गई बीच में, एरन मुलादी का क्या बता रहे थे आप? एरन मुलादी जो बस्ती है ना उसमें जो बता है वो भी दिया था, और उसमें थोड़ा सा शुक्र शोधक और शुक्र स्तंभक भी उसमें एक बस्ती में निरुह के पहले बस्ती में शुक्र शोधक गण यूज किया था, और सेकेंड निरुह में मैंने शुक्र स्तंभक गण यूज किया था, और तीसरे में मैंने बृहन मानो अपने सर जो मैंने उधर बताया था ऐसी निरोह करके पेशेंट को फिर मैम, लेकिन ये तीन निरोह में पेशेंट का वेट 69 से अपना 59 तक आया था जब मैंने ये निरोह, और उसको वेट भी बहुत अच्छी तरीके से आए थे। और उसमें मैंने मैम थोड़ा सा सेंधव के साथ यवक्षार भी यूज किया था मैंने, और उसके बाद पेशेंट का उत्तर बस्ती हुआ 15 डेज, फिर मैंने उत्तर बस्ती के बाद चंदन बला लाक्षादि तेल 1 डे, और 1 डे अपना जो बस्तान घृत का बस्ती रहता है ना उसमें, लेकिन मैंने युक्ति पूर्वक ऐसे किया था सुबह वृक्ष योग दिया था शीर्षपाक की तरह करके, और आवाज आई, आवाज कट रहा है। हेलो मैम, मैम आ रही है आवाज? हाँ, तो वृक्ष योग सुबह शीर्षपाक की तरह दिया था, और शाम को उसको बस्तान घृत की बस्ती दी थी, उसमें घृत पान मैंने अपना अश्वगंधा घृत यूज किया था, और एक बार पेशेंट को नहीं मिला तो शतावरी घृत भी मैंने यूज किया था, और ओरली पेशेंट को मैंने अपना चंद्रप्रभा फल त्रिकादि दशमूलारिष्ट, और ये अपना मकर ध्वज रहता है ना मैम, वो मकर ध्वज चालू किया था, इतना ही दिया था 1.5 महीने में। अभी पेशेंट पूरा नॉर्मल है मैम, और इस एक बार मैंने उसको स्टार्टिंग में जब दीपन पाचन किया था तो सूक्ष्म त्रिफला और चंद्रकला दिया। मैम आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो, हाँ जी मैम, सूक्ष्म त्रिफला के बाद क्या बताया स्टार्टिंग में? चंद्रकला,
चंद्रकला फर्स्ट टाइम जब दीपन पाचन किया था तो उस टाइम पे मैंने दिया था उसका थोड़ा सा मैंने, तो अभी पेशेंट पूरा नॉर्मल हुआ है। जैसे ये रणमूल आदि वस्तु आपने दी तो इसमें घृत या ऑयल जो क्या यूज किया था और गोमूत्र भी यूज किया था क्या? गोमूत्र नहीं, मैंने एरन मुलादी में आज तक मैंने गोमूत्र से, मुझे थोड़ा सा मैं डरती हूँ कि पेशेंट का कोई व्यापद न हो जाए, इसलिए मैंने गोमूत्र कभी भी आज तक नहीं यूज किया। सर बोलते हैं कि वैतरण में दो, लेखन बस्ती में दो, लेकिन मैंने नहीं दिया। यवक्षार में थोड़ा देती हूँ, लेकिन स्नेह की मात्रा जो रहती है, मध की जो मात्रा रहती है वो थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ मैं। ठीक है मैम, स्नेह में कौन सा यूज किया था? जैसे शुक्र शोधक दिया एक बार, शुक्र स्तंभक और एक बार वृषगण, स्नेह अपना मैम मैंने तेल जो यूज किया था वो अपना सहचरादि तेल दिया था, और स्नेह में मैंने गोघृत ही यूज किया था एक बार, और लास्ट में जब मैंने वृषयोग दिया ना मैम तो उस टाइम पे मैंने फलघृत और शतावरी घृत दोनों मिक्स करके दिया था वृषयोग में। निर्हो जो दिया ना उसमें शतावरी और फलघृत में यूज किया था स्नेह। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा योग बताया, थैंक यू मैम। हेलो, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। सर मैंने कल वो पेशेंट बताया था ना आपको, हाँ, वो हिमोरेजिक सिस्ट और उसका सीए का, आज मेरे पास वो पेशेंट आया था तो मैंने आज आई थी दोनों भी आए थे मेल फीमेल, इसलिए आया था बोली मैं, दोनों ही आई थे मेल फीमेल, तो मेल को फीमेल को मैंने बता दिया, पूरा काउंसलिंग किया, थोड़ा सा पेशेंट आपका खुद ही म्यूट कर दिया, बोला डेढ़ बरस गए का को ट्रीटमेंट लेने में, हाँ। वो बोले ठीक है चलेगा, लेकिन अच्छी तरीके से मैम मुझे रिजल्ट देखेंगे क्या होता है, ऐसे बोली मैं पेशेंट को, हाँ। अभी आप खुद ही म्यूट चक दिया है, माउस पक दिया है, दोपहर को मैंने संशमनी वटी दी है सर पेशेंट को, थोड़ा सा यूपीआई करके चंद्रकला है ये भी दिया है, और सर पेशेंट को सुबह खाली पेट मैंने फल त्रिकादि कषाय पंचतिक्त घृत और अपना शिवरु तेल है ना वो ओरली दिया है मैम सर मैंने उसको, क्योंकि थोड़ा सा दीपन पाचन भी हो, क्लेद का भी वहन हो जाए, और पेशेंट को आहार में मैंने अभी तो जब भूख लगे तभी खाना, खाने में भी सर मैंने पेशेंट का भी जो हल्का डाइट रहता है मानो अपनी फीकी दाल चावल अपनी जवार की रोटी घृत ज्यादा करने को बोला है, 5 किलोमीटर चलना, सूर्य नमस्कार, सबसे बड़ा मेडिटेशन उसको ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसीलिए, और नशे में सर मैंने शीरबला नशे अभी दिया है पेशेंट को, क्योंकि थोड़ा सा ट्रेस मेंटल ट्रेस न हो रह जाए इसीलिए सर, और इसमें मैं अब क्या ऐड करूं? और दशमुला मेन अभी यही दीपन पाचन और मास पाचक ये सब दे रही है ना, पाचन होने दीजिए फिर उसके बाद देखते हैं ना क्या होता है, बहुत सारा दवाइयों का ओवरलोड नहीं करना है कि उनको उल्टी होने लगे, नहीं करना है तो पेशेंट दिक्कत करता है ज्यादा दिया तो, तो अभी तो मैंने पाचक दिया है सर, तो अगले बार देखेंगे 15 दिन में उसका कैसा होता है, तो उसके बाद सिम्प्टोमेटिकली क्या होता है, रिलीफ क्या नहीं होता है देखिएगा सर, लेकिन वो उसके जो सिस्ट जो बन रहे हैं वो कफावृत्तवात ही हम समझेंगे ना उधर, तो इसमें क्लेद कम होने के लिए, पाचक काम नहीं करता है क्या? हाँ, तो मैंने रसपाचक रक्तपाचक मांस पाचक दिया ही है और संशमनी भी दिए है सर मैंने, ठीक है ना, हाँ। कितना अच्छा मैम, और क्या आपका कैसे क्लियर क्लियर आप देती हैं, अभी ऐड करने का मत सोचिए, इतना पहले भी चलने दीजिए 15 दिन, फिर क्या सिम्टम आते हैं उस हिसाब से बात करेंगे। ओके सर, अभी मैं बहुत सारा दवाई बताऊंगा फिर आप सब दे देंगे तो पेशेंट भाग जाएंगे, एक तो उनको कॉन्फिडेंस में भी लेना है, धीरे धीरे चलना है हमें, धीरे धीरे चल के फिर पूरा सक्सेसफुल करना है उनको, फीडबैक तो आप मुझे ऐड करें, क्योंकि मेरे लिए ये पहला और थोड़ा चैलेंजिंग केस है, अंजना मैम से भी मैं बोली कि और ये सक्सेस हो गया ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपके पेशेंट बहुत होप से पेशेंट क्या हर केस सक्सेसफुल होना चाहिए,
बाकी का सर पीसीओडी का ये जो रहता है एंडोमेट्रोसिस का उसमें थोड़ा दिक्कत नहीं, लेकिन ये पेशेंट इतना आईवीएफ 3 बार 6 बार आईयूआई करके आया है तो उनका फेथ इतना है कि मैम आप मुझे ठीक करवा दोगे, ऐसे आप करने वाली हैं ठीक उनको, तो मैं आपका गाइड चाहिए सर। और वो मैम जो जिनको मैंने पुंसवन किया था वो अभी कैसी हैं? सर अभी वो बहुत अच्छी है और उनका अभी 9 चल रहा है आज से। नॉर्मल करना चाहती है कि सीजरियन करना चाहती है? नहीं सर पहले पहले उसका एलएससीएस है ना। अच्छा फिर सीजरी पहले? हाँ तो सीजरी है। हाँ। तो अभी है अच्छी है, वेट भी अच्छा है, आज देखा 2.6 केजी वेट है बेबी। हाँ। का अभी सर अच्छा अच्छा है। कब कब तक है एक्सपेक्टेड ईडीडी? कब है ईडीडी सर उसका? ना अभी 13 बोला है, 13 मैंने 13 बोला है, देखेंगे अभी क्योंकि अभी तो एफएसएच वगैरह बहुत अच्छे है, लाइकर भी अच्छा है सर उसका बहुत। हाँ, अच्छा मुझे बताएगा 13 तारीख को उसके आसपास। हाँ ओके सर देखेंगे ठीक है। उसके पहले हो तो पहले भी बता। पहले भी बताएगा। और वो आपका मुर्गा कहाँ गया जो सुबह? सर वो बेच डाला उन्होंने, उसके बाद उन्होंने खरीदा ही नहीं। और अभी अच्छा थैंक यू मैम, कमल मैम थैंक यू। थैंक यू सर। और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं अभी। इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग ना कि क्या बताएं। सब लोग अच्छा मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। सर आप बोलते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो आपसे इंस्पिरेशन है बाकी कुछ। और आकांक्षा मैम आपने जो मैसेज किया ना वो मुझे आ रहा है, कमल मैम तक नहीं जा रहा है। आप मैसेज करिए बहुत सही है कि आप कमल मैम ऐड अगर आल्सो, लेकिन वो मुझे आ रहा है। इन्होंने कहा है कि कमल मैम प्लीज ऐड सम अगर द्रव्य आल्सो, ठीक है अगर द्रव्य भी डालिए। आकांक्षा मैम आप बोल दीजिए प्लीज। कौन से अगर द्रव्य मैम? और कितनी मात्रा में? हेलो। हाँ मैम बोल। हाँ मैम आवाज आ रही है? हेलो हेलो। हाँ मैम गेटिंग। हाँ वो थोड़ा सा मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था। मैम ये बोल रही थी कि इसमें आपका पेशेंट मल्टीपल शायद आपने बताया आईवीएफ वगैरह करके आया है ना, तो आप उसमें एक मतलब इसमें कोई भी अगर आपको बिलवादी कॉमन अपना चलता है, एक बिलवादी अगर आप इसमें या दूषी विषारी अगर, इन दोनों में से कोई भी एक आप दे सकते हैं। इसके टैबलेट्स भी आते हैं कोटकल के, और वैसे दूषी विषारी अगर का आप कॉम्बिनेशन भी बना सकती हैं। तो आप पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से मतलब 1/2 टीस्पून to 1 टीस्पून आप दे सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको और मतलब अच्छा रिजल्ट मिलेगा समझ में। कौन से काल में दे मैम? कौन से काल में देंगे? आपकी बाकी मेडिसिन किससे के चल रही है? आप व्यानोदानी काल में दे सकती है खाना खाने के बाद। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। दोनों दोषी विष में ये अपने जो बिलवादी अगत बोला या बिलवादी? हाँ दोनों में से कोई भी देख लीजिए। नहीं दोनों में से कोई भी चलेगा। हाँ ठीक है। कितने दिन देना है मैम? मैम चलाइए, इतना लंबी हिस्ट्री है तो आप एक आध महीने चला लीजिए, क्योंकि बीच में फिर आपकी ट्रीटमेंट अभी चेंज होगी तब आप फिर ब्रेक करके दूसरा चला सकती हैं, तो एक महीने विल बी सफिशिएंट। टॉर्च पॉजिटिव है? हाँ पॉजिटिव है। चिकनगुनिया भी तो पॉजिटिव है, तो फिर ठीक है, तब तो और अच्छा काम करेगा अगर उसमें आपको। हाँ। बढ़िया काम करेगा। आप बिल्कुल डेफिनेटली ऐड करिए फिर मैम उसमें आप, ठीक है? आप बराबर एक या दो महीने भी चलाएंगे तब भी कोई इश्यू नहीं रहेगा। ठीक है मैम चलाती हूँ। ओके मैम ठीक है मैम थैंक यू। कहीं ना विष का भी प्रभाव पड़ता है, किस न तरह से दूषित विष वगैरह गया है, तो इसीलिए आपको ये अगर द्रव्य का जरूर यूज करना चाहिए ऐसे केसेस में, ठीक है? ओके ओके थैंक यू। और डॉक्टर नवजोत कौर मैम, गंगवार सर कुछ बोलिए आप लोग, आशा मैम, अनुराधा मैम कुछ बोलिए, डॉक्टर मनोहर सिंह सिसोदिया जी कुछ बोलिए आप प्लीज, डॉक्टर विक्रम सिंह जी, गीता पटेल जी कुछ बोलिए, इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे डॉक्टर हैं। तकदीर सिंह जी बोलिए सर, तकदीर सिंह जी प्रणाम। हाँ बोलिए सर। सर डॉक्टर विकास जी से मेरा क्वेश्चन है सर। विकास जी आपसे प्रश्न है इनका।
विक्रम जी का, विकास कुमार जी, विश्वकर्मा जी, सर बिजी हैं शायद, खाना खा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर विकास कुमार विश्वकर्मा जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? जी सर बोलिए, आपसे पूछ रहे हैं सर, पूछिए सर। सर नमस्ते, मैं ये पूछना चाह रहा था सर, आपने एक बार एक डिस्कशन किया था नॉन ब्लडी पायल्स पर, तो उसके लिए क्या है सर? नॉन ब्लडी में कॉन्स्टिपेशन है सर। हाँ तो कॉन्स्टिपेशन तो दूर करना ही पड़ेगा, उसके लिए कुछ देना ही पड़ेगा। और वैसे मैं जनरली जो देता हूँ पेशेंट के हिसाब से, जो कांकाइन वटी है, अर्सोगनी वटी है, और ये क्या कहते हैं, कांचनार गुगुल है, कुटकी चूड़ है, और अर्सोगनी ये क्या नाम है, अभयारिष्ट साथ में दे दिया जाता है। इतने में तो लगभग कवर हो जाता है, बाकी उसको पथे पथे तो जानते ही, सेवन जो कराना है। ये अब एक्चुअल में पेशेंट देखते हैं वो अंदर से आवाज आती है क्या देना है, वैसे तो बताना इतना ही मैं बता रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। ये जो कमल जी, कमल मैम जो अभी ये डिस्कस कर रही थी ना सर, तो वो केस क्या है मुझे पता नहीं है, क्योंकि हेमरोजिक सिस्ट वगैरह बोल रही थी कमल मैम, थोड़ा डिस्क्राइब कर देंगे। हाँ मैम, पेशेंट 26 इयर्स का है और शादी को 7 साल हुए कंप्लीट उसके, लेकिन जब वो 12 साल की थी तब उसका टॉर्शन ओहरी हुआ था और एक हेमोरेजिक सिस्ट की वजह से उसकी एक ओहरी रिमूव कर दी गई है, और उसके बाद मैम पेशेंट का लैप्रोस्कोपिक वगैरह सब कुछ हुआ है, और हर महीने में उसका इरेगुलर मेंसेस ऐसे करके रहता है, हार्मोनल थेरेपी भी बहुत दिन उसकी चली, और हिमोरेजिक सिस्ट भी साइज मैम 7 cm to 10 cm इतना रहता है, और पेशेंट का ब्लीडिंग भी कम रहता है, लेकिन पेशेंट को पेन्स बहुत रहते हैं उस टाइम पे, और इसीलिए पेशेंट ने मॉडर्न की मेडिसिन लिए थे, तो उन्होंने सब हार्मोन्स की थेरेपी देख के 6 IUI और 3 IVF हुए, तीनों वो फेलियर में गए हैं, और अभी उसका जो ट्यूबल ब्लॉक वगैरह कुछ भी मैंने अभी देखा नहीं HSG का, लेकिन लैप्रोस्कोपिक में तो उन्होंने बोला है कि और उसमें मैम CA जब ओवरी निकाली दी गई थी ना, तब उसने CA 125 किया था, तो वो 468 आया था, सर्वाइकल पैप्स में भी उधर नॉर्मल था, लेकिन तो उस टाइम पे उस हिस्टोपैथ के रिपोर्ट भी नॉर्मल थे मैम, लेकिन उसके बाद June 22 को उन्होंने किया ना, तो उस टाइम पे उसका CA 125 जो आया है वो 11 था, और अभी आज मैंने किया है 2-3 दिन के पहले, तो उस टाइम पे वो 5 आया है CA 125, सर्वाइकल पैप्स में निगेटिव आया है, और उसका हमारे पेल्विस में हिमोरेजिक सिस्ट और जो अपनी ओहरी है राइट साइड की उसमें ओहेरन मास लीजन ऐसे दिखा है, बाकी PID थोड़ा सा है उसको, और पेशेंट का जो हिमोरेजिक सिस्ट है वो अभी 7 cm का है, तो और पेशेंट बोलता है पेशेंट की मेंसेस भी आकर चली गई, लेकिन 3 डेज ही ब्लीडिंग हुआ है, वो भी अच्छी तरीके से हुआ है अभी बोले पेशेंट, लेकिन पेशेंट का जो मुझे उसका जो रहता था टेंशन हिमोरेजिक कैसा है वगैरह, तो अभी तो उसका CA अच्छा है, CA जो रिपोर्ट वो अच्छा आया है, हमारा पेल्विस भी हमारा यूटेरस भी अच्छा आया है, तो मैंने सर से पूछा था कि ये रिपोर्ट देखिए हम ट्रीटमेंट करेंगे या नहीं देखेंगे, मैम ने भी बोला था अंजना मैम ने, तो अभी आज मैंने उसको ट्रीटमेंट दी है दीपन पाचक के लिए, देखेंगे फिर पाचक तो अभी दिए है, करेंगे देखेंगे। वेरी गुड मैम, आपने बहुत अच्छा काम किया, कांग्रेचुलेशंस। हाँ, थैंक यू मैम। शेयर करिएगा मैम ये केस है ना, आप ग्रुप में शेयर करिएगा अगर आपने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को भी पूरा किया। हाँ, 15 डेज में मैं शेयर करूंगी, क्योंकि गाइड मेरे पाठक सर अंजना मैम ही है, और मेरे लिए ये पहली केस है ऐसी, और थोड़ी सी चैलेंजिंग है, तो हाँ रियल लाइफ काफी चैलेंजिंग है। हाँ, तो ये अच्छी होनी चाहिए, फिर से आए हैं मेरे पास तो वो अच्छा करना है, देखेंगे फिर। नहीं नहीं हो जाएगा मैम, ठीक है मैम। मैम आपने इससे पहले क्या ट्रीटमेंट दिया?
अभी तो मैंने मैम पाचक ये दिए है, रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक, संशमनी वटी दी है, चंद्रकला दी है, और सुबह में फलतिका दी वटी, पंचदीप्त घृत और दशमुला दी जो अरिष्ट रहता है वो अपाने दिए है मैंने पेशेंट को, इतना ही दिया है पेशेंट को। कितना कितना टाइम दिया, जैसे उसका CA 125 आपने बोला ना कि रिड्यूस हो गया है। मैम CA 125 पहले जब ओहरी निकाली गई थी तब था, उसके बाद किया था तो उन्होंने मॉडर्न के ट्रीटमेंट लिया, लेकिन मेरे पास जब वो आई तब उसका 11 था, लेकिन अभी कितना है ये मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने अभी किया उसको 15 दिन में, तो वो 5 आया है उसका। ठीक है ओके, समझ गई मैं, एक्चुअली उसकी ओहरी निकाल दी गई है ना। हाँ ओहरी निकाली दी गई है वो। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है अभी और किसी को कुछ बताना है? आशा मैम आप क्या पेशेंट ठीक कर रही हैं, आप तो बताती नहीं है। आशा मैम। हाँ जी सर। आप क्या पेशेंट ठीक कर रही हैं, आपके पिताजी कैसे हैं, आप भी तो बताइए अपना कुछ नॉलेज। ठीक है सर, पापा की तबीयत तो अभी ठीक है। अभी मतलब बात वगैरह कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं? हाँ सर बिल्कुल, खाना मतलब वही राइस ट्यूब डाली हुई है ना अभी, क्योंकि बीच में उनको एडमिट करना पड़ा था, तो अभी राइस ट्यूब भी डाली है। हाँ। थोड़ा सिप सिप मतलब 1-2 चम्मच जितना ले रहे हैं। अच्छा है, अभी हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। हमने उस दिन प्रेयर किया था सब लोगों ने मिलके। जी सर, मतलब कफ वगैरह तो काफी कम हो गया है, मैंने त्रिकटु शुरू करवाया है, त्रिकटु और मध मतलब मधु का प्रयोग जो भी सूप में वगैरह में लेते हैं उसमें। हाँ। देखते हैं। ठीक है, मेरी एक पेशेंट थी सर आज, उनका कानपुर से थी, एक्चुअली ऑनलाइन कंसल्टेशन का केस था, तो उसमें थोड़ा सा आपका गाइडेंस चाहिए था। एक बच्ची है 14 साल की है, नहीं 16 साल की है, अब वो ट्यूशन वगैरह जाती है, तो उसकी मम्मी ने बताया कि उनको वेजाइनल इचिंग वगैरह ज्यादा हो रहा है, तो मैंने सिम्टम्स ऐसे ही फोन पे पूछ के बच्ची से बात करके पूछा, तो वो टाइट जीन्स वगैरह ज्यादा पहनती है, और ट्यूशन में क्या उनको 7-7, 8-8 घंटे तक बैठे रहना पड़ता है, तो और वहाँ पे अभी बारिश भी बहुत हो रही है, ये सब हेतु निकले हैं। तो मैंने उनसे त्रिफला क्वाथ से धावन और बीच बीच में स्फटिका धावन के लिए बोला था, आरोग्यवर्धिनी, गंधक रसायन और महामंजिष्ठादि कषाय, इतना दिया था सर, लेकिन एक वीक के बाद भी वो बोल रहे थे कि कंप्लेन एज इट इज है। तो आप उनको बोले नीम का तेल अगर मिलेगा उधर मिलेगा? वही सर, मैंने नीम का तेल नहीं लेकिन नीम के पत्तों से धावन के लिए बोला था। अच्छा नीम का आप तेल, आप उनको बोले कि जब भी वो बैठती है ना तो उसके पहले सरसों का तेल लगा दे, कंडुग अगर ठीक करना है तो, कंडुग नगण है ना जी, उसमें एक सरसों है, तो सरसों का तेल पूरा वो एरिया में पूरा ऊपर से नीचे सब लगा दे, ताकि वो टाइट जीन्स भी पहने और पसीना है ना तो उसके बॉडी को कोई इफेक्ट ना हो, पसीने का डर्मेटाइटिस ना हो। ओके ठीक है सर, बाकी ये सब ठीक है कि इसमें कुछ और ऐड? आप जो दे रही है वो सब सही है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ ना केवल वो सरसों का तेल, हाँ, वो मैं ऐड करा दूंगी। तो नहीं और बोलिए कि जब वो मतलब जींस खोलती है तो थोड़ा हवा लगने दे, वो ड्राई होना चाहिए वो चीज। हाँ वो मैंने आतप सेवन के लिए बोला है कि सुबह थोड़ा 15-20 मिनट बच्ची को थोड़ा पतला सा कपड़ा लगा के बोलिए कि प्रॉपरली वो सनलाइट ले, क्योंकि आजकल बच्चे क्या स्कूल ट्यूशन करते रहते हैं ना, तो प्रॉपर सनलाइट ले नहीं पाते हैं, तो ये भी एक कारण रहा होगा। और बोलिए कि टाइट जींस क्यों पहनती है, इतना क्यों पहनती नहीं है? उसकी मम्मी ने बंद करवा दिया, अभी तो बंद कराया है 10-15 दिन से, मतलब अभी 10 दिन हुए, तो बोले तो इचिंग में बिल्कुल फर्क नहीं है, तो इचिंग में फर्क पड़ेगा सरसों का तेल, अभी आप बोल दीजिए अभी 5 मिनट में फर्क पड़ जाएगा। और सरसों का तेल रोज लगा ले, या फिर सबसे सिंपल सिंपल बताता हूँ, मेरे पेशेंट ने मुझे बताया ये जो डाबर आंवला केश तेल होता है ना, केश तेल डाबर आंवला, महाभृंगराज तेल या नीली भृंगराज तेल, जो बालों का तेल होता है जी, तो हम क्या सोचते हैं कि बाल उधर ही है लेकिन बाल नीचे भी है ना, प्यूबिक हेयर भी है, तो तेल लगा दिए ना तो उससे सरसों का तेल किसी को इरिटेट करेगा, जलन होगा है ना, तो आप केवल बालों का जो हेयर ऑयल है वो वहां पे लगा दे रोज, फिर देखिए हेयर ग्रोथ ज्यादा हो गया तो तो क्या रहेगा कि शोधन भी कर देगा अगर कोई फंगल इन्फेक्शन रहेगा तो, और नीम है तो वो तो रोपण करेगा ही करेगा, है ना?
हाँ। नहीं कुछ दिन ही लगाना है जो मैं बता रहा हूँ ना, वो कुछ हाँ। दिन ही लगाना है, बहुत दिन तक नहीं लगाना है, कुछ दिन ही लगाना है। वो इनफेक्ट जो भी बालों का तेल है ना वो इन्फेक्शन को ठीक करता है, ऐसा मेरे पेशेंट लोगों ने बताया और मैंने फिर यूज किया, सभी को रिजल्ट है। ऐसा हाँ, कभी आमला वगैरह रहता है, आमला भुरुंगा पड़ गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। ओके सर, ठीक है। सरसों का तेल उष्ण होता है ना सर, तो इसलिए प्रकृति वालों को नहीं सूट करेगा। हाँ वो थोड़ा कफ पित्त प्रकृति है उनकी, तो ये मुझे वही डाउट है कि वो नहीं सूट करेगा। पित्त का काल भी आ रहा है, अभी गर्मी का सीजन शुरू हो जाएगा थोड़ा, तो सर पेशेंट को हाँ वही बर्निंग सेंसेशन भी है, मतलब बच्ची उठ बैठ भी नहीं पाती थी बीच में, तो अभी मतलब वो व्हीकल पे ड्राइव नहीं कर पा। हाँ जी नीम का तेल अच्छा रहेगा, नीम का तेल हाँ, नीम का तेल पंचगुण तेल में मिक्स करके मैं देती हूँ, तो वो ठीक रहेगा। ठीक है, सरसों का तेल वहां नहीं लगाना चाहिए जहाँ पे खुजला खुजला के ना वहाँ पे व्रण हो गए, खुजला खुजला नाखून से जब रगड़ रगड़ के करते हैं ना वहाँ सरसों का तेल लगाएंगे तो वो और ज्यादा बर्निंग होता है, पेशेंट बहुत चिल्लाता है, तो वहां पर सरसों का तेल नहीं, नहीं तो नॉर्मली तो लगा सकते हैं ना सर। तिल का तेल लगाए तो अच्छा रहेगा शायद, तिल का तेल सबसे अच्छा है, नहीं तो मैंने बोला ना हेयर ऑयल जो आप बालों में लगाते हैं वही ऑयल वहां लगा दीजिए, उसका बेस तिल तेल रहता है। सर शतदूत घृत भी अच्छा लगता है, मैंने पहले सोचा था मैम लेकिन नहीं मिल रहा है वहां पे, मैंने पहले सद्गुरु टूथ ही प्रिस्क्राइब किया था उनको लगाने के लिए, फिर नहीं मिला तो मैंने बोला ठीक है कुछ नहीं आप अपना ये चालू करें। कैलाश जीवन चंदन लोगों लक्षादी में मैम काम अच्छा करता है, अच्छा आलमंड ऑयल जो बालों में लगाते हैं वो भी लगा दे, बादाम का तेल वो भी अच्छा, चंदन वाला लक्षादी का पिचू रख देना तो बहुत अच्छा काम करता है मैम, ठीक है मैम। और जो वो कपड़े वो है ना वो चेंज हो, वो हाइजीन मेंटेन रहे। हाँ मैंने उन्हें बताया जिनमें दो बार नहाना है और कपड़े चेंज करने। थैंक यू मैम। मैम आपने जो नीम तेल बोला ना तो एएनसी में हम वो दे सकते हैं क्या? हाँ मैम दे सकते हैं ना, नीम तेल तो इतना कुछ इसमें नहीं होता है, लेकिन अगर आपको एएनसी में देना है ना तो आप उसको तिल तेल में या फिर किसी माइल्ड ऑयल में मिक्स करा के दे, कोपरे के तेल में है ना, कोपरे वगैरह हाँ। में मिक्स करा के दीजिए। अभी शशि तिवारी मैम ने कुछ लिखा है, आप शशि मैम का बहुत अच्छा बताइए। शशि मैम जी, शशि मैम बोलिए। हाँ जी सर, जो आपने बताया मैंने हमेशा वही यूज कराया है, एक्चुअल में जो मस्टर्ड ऑयल है उसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, सबसे बड़ी बात है कि हम उस चीज को खाते हैं, तो जब हम किसी चीज को खा सकते हैं तो उसको लोकल एप्लीकेशन में तो सबसे अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो मैम उसको बोले दो बार, एक बार रात को सोते वक्त लगाए और एक बार जब सुबह नहाते हैं तो नहाते वक्त भी सरसों का तेल लगा करके नहाए, तो ईचिंग में तो तुरंत उससे आराम आ जाएगा। अगर कोई बड़ा इन्फेक्शन नहीं है, कई बार यूटीआई वगैरह भी हो जाती है, जैसे बच्चे बाथरूम वाथरूम यूज करते हैं, मान लीजिए कोचिंग स्टूडेंट है स्कूल वगैरह उस तरह की होती है, तो प्रॉब्लम भले आ जाएगा, तो आप चाहो तो यूरिन टेस्ट करा लेना बच्चे का, और नीम के पानी से वॉश कराइए मैम, तुरंत आराम आता है। तो ये दो काम, और तीसरा काम होता है कि रात को ओपन सो जाए, मतलब रूम अपना बंद करके उस एरिया में थोड़ा सा, जैसे अगर कानपुर का है तो वहां पर भी हो सकता है मौसम थोड़ा ठंडा हो, अदरवाइज ऐसे ही मतलब हाँ क्योंकि यहाँ भी ना ठंडा है तो इसलिए मैं बता रही हूँ, तो थोड़ा सा फ्रेश एयर अगर वहां जाएगी ना तो बहुत जल्दी हील होगा, कभी भी अगर उंड भी हो जाए और फ्रेश एयर चला जाता है तो अच्छे से हो जाता है। और ऐसे सनलाइट तो कोई बल्ब वगैरह हो जैसे टेबल लैंप वगैरह तो उसकी भी हीट ले सकते हैं, क्योंकि लेडीज वैसे तो हीट ले नहीं सकती हैं, तो अगर हीट ऐसे लेती हैं तो उससे फर्क पड़ेगा। और उनको बोलो बहुत लूज क्लोथ पहन डाले, मतलब और सिर्फ कॉटन के ही पहनने हैं, मतलब लाइफ लॉन्ग ख्याल रखे, क्योंकि इस एज में बच्चों को प्रॉब्लम हो रही ना तो आगे लाइफ में वो प्रोन हो जाते हैं इन्फेक्शन के लिए ऐसे लोग, तो सिर्फ कॉटन ही पहने एटलीस्ट लोअर पार्ट में जो भी है, और मजबूरी है जहां पर मान लो सोसेबाजी करनी जींस पहनना है तो दो चार घंटे बाद आकर निकाल दे जींस, ज्यादा लंबा नहीं पहने अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी मैम, प्रेगनेंसी वगैरह में भी इन्फेक्शन कैरी हो जाता है बच्चों में भी। हाँ वो थोड़ी ओबेस भी है मैम तो इस वजह से ही इन्फेक्शन हुआ होगा ऐसा मेरा मानना है। ऑबीज है तब तो मैम और बड़ी प्रॉब्लम है, ऑबीज लोगों को तो वैसे ही भी नॉर्मल कपड़ों में भी प्रॉब्लम आती है, उनको पर्सपिरेशन ज्यादा हो रहा है। हाँ मैंने उसके लिए स्टार्ट कराया था पेट लंबा, इसलिए कि आप जितना कपड़ा
मतलब वजन कम करेंगी उतना जल्दी ठीक होंगी आप, वजन कम करेंगी। और मैम एक चीज और है, जब भी यूरिनेशन के लिए जाती तो बोलिए पेपर नैपकिन रखें, पेपर नैपकिन से बहुत अच्छे से ड्राई करें उस एरिया को। कई बार होता है ना यूरिन थोड़ा बहुत लगा रहता है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। और जहां पर भी बाथरूम बाहर का यूज करते हैं पहले उसको फ्लश करें, फिर यूज करने के बाद फिर से फ्लश कर लें। तो थोड़ा सा प्रिकॉशनरी ये चीजें भी कर सकते हैं अपने साथ में। हाँ मैम ये हो सकता है क्योंकि बच्चे बाहर का टॉयलेट बाथरूम यूज करने से भी इन्फेक्शन हुआ होगा ऐसा। हाँ वो इसीलिए मैंने कहा ना एक बार आप यूरिन कंप्लीट करा लो तो आपको बेटर आइडिया लग जाएगा, क्योंकि सिंपल चीजें होंगी तो जो ये है देसी टाइप की चीज उन्हीं से आराम आ जाएगा। अगर इन्फेक्शन ज्यादा होगा तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत पड़ेगी, मतलब और मेडिसिन चलानी पड़ेगी। ओके मैम ठीक है, मैं एक बार रूटीन यूरिन करवा दूंगी। हाँ मैम करा लो। थैंक यू थैंक यू। ठीक है और अब कौन बोलना चाहता है? डॉक्टर नवजोत कौर मैम आप कुछ बताना चाहती हैं बताइए मैम। डॉक्टर टिंकल यादव जी, डॉक्टर वीरेंद्र मोहन सर, गुरप्रीत कौर मैम कुछ बोलिए आप लोग। डॉक्टर प्रभात जी अभी कोई नहीं बोलना चाहता है। अंजू मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप? तकदीर सिंह जी कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं कुछ नहीं बोलना चाहते। डॉक्टर गौरव कुमार जी कुछ बोलना चाहते हैं? जी प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर बताइए। जी सर मैंने आपसे पूछना था कि जैसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे हाइपोथायराइडिज्म है तो सर उसमें जैसे जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है तो हाँ। उस केस में क्या करना चाहिए सर? आपको एक तो ऑटोइम्यून वाला कॉन्सेप्ट पहले दिमाग से बाहर निकालिए और आयुर्वेद के हिसाब से व्याधि देखिए कि आपको क्या दिख रहा है। आपको आमवत दिख रहा है कि उसमें कंदीवत दिख रहा है कि बातरक दिख रहा है? अच्छा जी सर अस्वस्थ प्रतिष्ठि दृष्टि भी हो दी। हां तो वही तो मैंने बोला ना कि आप डायग्नोस करिए आयुर्वेद के हिसाब से डायग्नोस करिए, ऑटोइम्यून का कॉन्सेप्ट थोड़ा साइड में रखिए। ठीक है सर। हाँ और आयुर्वेद के हिसाब से करें और जहां डिफिकल्टी आएगी वहां पूछिएगा हम बताएंगे। जी सर एक पेशेंट है उसकी जो प्रकृति है सर बात पित्त जय सर वो ठीक है। उनका अग्नि कैसा है, पेट साफ होता है कि नहीं, भूख लगता है कि नहीं, पूरा केस शीट भरिए ना सर फिर पता चल जाएगा। जी सर थैंक यू सर। हाँ ठीक है थैंक यू सर, कोई भी डिफिकल्टी आएगी तो पूछेगा। ठीक है और किसी को कुछ बोलना है? डॉक्टर मंगला मैम कैसी हैं आप? डॉक्टर मंगला मैम आप तो गवर्नमेंट ऑफिसर है इतना अच्छा डॉक्टर है आप। हाँ सर प्रणाम सर बहुत अच्छी वो मैम आपकी बहुत तारीफ करती हैं। आप बताइए ना आपके पास कैसे पेशेंट आते हैं आजकल? सर एक बताओ कल ऐसे ही मैं ओपीडी में बैठी थी तो कुछ इंसेक्ट बाइट हुआ था। किसको? तो मुझे ही। अच्छा तो मैंने वहां पर संजीवनी वटी मैंने पीस कर लगा दी तो और तुरंत तो वो सूज गया था ना, स्वेलिंग आया था तो पूरा कम हो गया सर। संजीवनी वटी से बाकी कुछ लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी, कुछ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है ये बहुत अच्छा लगा मुझे। वही तो आपने कितना अच्छा दिमाग युक्ति यूज किया। हाँ सर अभी आपकी वजह से ऐसे युक्ति बना के कर रहे सर। हमारे पास तो ज्यादा मेडिसिन नहीं रहता मगर युक्ति से कर रहे ना सर तो बहुत अच्छा हो रहा है अभी जी। थैंक यू सर। मंगला मैम आपका आगे क्या ऐसे एम्स एंड गोल्स है कि आगे क्या करना है आपको? अभी आयुर्वेद की प्रैक्टिस बढ़ाना है सर मुझे भी। तो आप गवर्नमेंट में तो लिमिटेड ही दवाइयां आती होंगी आयुर्वेद की? हाँ सर मेरे यहाँ से आयुर्वेद कॉलेज है ना वो मोजरी वाला वो नजदीक है तो वहाँ पर फार्मेसी है तो वहां से ला सकते ना लोग, तो मैं लिख के देती फिर सर कुछ नहीं तो आप अपना, अपना अपना प्रैक्टिस भी डालिए ना आप शाम का। हाँ सर करना है सर आगे जाके। हाँ हाँ और वो मोजरी कॉलेज गाड़गे बाबा ऐसे कुछ नाम है ना कॉलेज का? हाँ, संत गाड़गे बाबा टुकड़ो जी महाराज का। हाँ जी हाँ हाँ वो डॉक्टर जायसवाल सर को आप जानती हैं? हाँ सर जानती हूँ। यवतमाल के DMM कॉलेज के। हाँ, वो हमेशा उसकी तारीफ करते थे मोजरी कॉलेज की, मैं उधर से पढ़ा हूँ ऐसे बताते थे। हाँ सर बराबर। हाँ मैं वैसे अमरावती कॉलेज की हूँ। अच्छा हाँ सर।
ठीक है, बहुत अच्छा। अमरावती तो इतना डेवलप्ड है, बहुत अच्छा है वो विदर्भा का। अच्छा सर, हाँ सर, मुझे नागपुर से ज्यादा अमरावती अच्छा लगता है। हाँ सर, नागपुर से अच्छा ही है हमारा। हाँ अमरावती, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। मैं अमरावती में 98 में गया था। हाँ और... सर हेलो, आपने बताया था। हाँ नवजोत कौर मैम बताइए मैम। हेलो, हाँ जी, प्रणाम सर। प्रणाम सर, तो सर मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सर मेरा नेटवर्क मुझे बहुत अच्छा आवाज सुनाई दे रहा है। हाँ जी, सर एक 65 प्लस मेल हैं, तो उनकी कंप्लेंट ये थी कि 4-5 महीने पहले ऐसे फैमिली सर्कल में नोन है, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेजी थी। तो मैंने फिर उन्हें बोला एक बार आके मेरे पास आ जाओ, तो मैं पूरी हिस्ट्री लूंगी। फिर आया नहीं गया उन्हें उनसे, तो 2-3 दिन पहले मुझे कहीं मिले, तो फिर मेरे को कहने लगे आप कैसे डॉक्टर हो, मुझे ठीक भी नहीं कर सकते। तो मैंने कहा बताइए क्या है, एक बार आ जाओ क्लिनिक पे। तो सर उनका ये है कि कंप्लेंट उनकी ये है कि थोड़ी देर खड़े नहीं होते हैं ना, जैसे मान लीजिए जैसे वो मुझे उस दिन गुरुद्वारा साहिब में मिले थे, तो कहते जैसे 2-5 मिनट भी खड़े होना चाहता हूँ तो खड़ा नहीं हो सकता, फिर बैठना पड़ जाता है। जैसे उनकी वीकनेस है क्या उनको? सर ऐसे वीकनेस नहीं, अदरवाइज तो ठीक है, बट उनको लंबर स्पॉन्डिलाइसिस है, जो उनकी उन्होंने अपनी एमआरआई की रिपोर्ट भेजी थी ना उसमें जो डायग्नोज था, तो उसकी वजह से। तो सर इसे वात व्याधि जान के इसका संधिवात समझ के, और आप बस्ती शुरू करें ना, तिक तक शीर बस्ती, शीर बला तेल का बस्ती, और फिर इंटरनल दवाई में गुगुल कल्प जितने हैं जैसे की महायुगराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, ये सब दीजिए, और नरसिंह रसायन गुगुल, तिक तक घृत पान, ये सब करें। बस्ती रहेंगी ना, बस्ती से जल्दी जल्दी रिकवरी होगा। जी सर, बट एक उनका बहुत बड़ा इशू हेतु में है कि अल्कोहल का सेवन उनका डेली है बहुत, तो वो कैसे बंद नहीं होगा? तो फिर तो मत बंद करें, उनको बोले कि थोड़ा पियो, और थोड़ा हमारा आसवरिष्ट पीजिए, दशमलारिष्ट पिला दीजिए। हाँ जी ठीक है, ठीक है, मैं दीपन पाचन से और उससे सारा, वैसे तो पहले उनकी हिस्ट्री लूंगी सर पहले मैं। और आपके बारे में एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर हरकिरण किरण सिंह जी, वो आपके बारे में इतना तारीफ कर रहे थे, इतना तारीफ कर रहे थे कि हमने अपने पेशेंट को भेजा नवजोत कौर मैम के पास, उन्होंने इतना अच्छे से मैनेज किया, बहुत तारीफ कर रहे थे आपकी। अच्छा सर ठीक है, थैंक यू सर। सच में भेजा था क्या गॉल ब्लड? हाँ हाँ जी सर, वो पीसीओडी की पेशेंट थी। हाँ कुछ ऐसे ही बता रहे थे, बहुत तारीफ कर रहे थे आपकी, बहुत तारीफ, मतलब दिल से बोल रहे थे वो, मुझे फोन आया था ना उनका, तो बता रहे थे। ठीक है सर, मुझे ना दिल से खुशी हुआ कि नवजोत कौर मैम ऐसे केस ठीक कर रही हैं, तो लोग तारीफ करने लगे, कितना अच्छा लगा। जी सर, अब आपने इस बना दिया ऐसा कि चलो हम देख लेते हैं, पेशेंट्स को कॉन्फिडेंस आ गया सर, आप ही की मेहनत है। शिक्षा वही होता है जो इंडिपेंडेंट बनाए सभी को। अभी मेरे सर ने मुझे इतना इंडिपेंडेंट बना दिया कि मैं सर के पास थोड़ी ना जाता हूँ भाग भाग के कि सर मुझे ये बताओ बताइए, अभी मुझे सर ने इतना काबिल बना दिया। तो वैसे नवजोत कौर मैम इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि इतना इतना दूर से भी तारीफ आ रहा है कि मैम ने ठीक कर दिया, बहुत अच्छा लगा। जी सर, नहीं ये तो है, पहले तो ये होता था कोई मिलता था तो सोचते थे आयुर्वेदिक ना ही पूछे, तो क्योंकि बेसिक कंसेप्ट से इतने क्लियर नहीं थे, बट अब ये नहीं है, अब तो होता है कि कोई पूछे तो हम बताएं। सर ये तो है, इतना सारा दिमाग में भर गया अच्छा आपने, कि खुद ही निकालना चाहते हैं कि हम बताएं कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। हाँ जी हाँ जी, नहीं बिल्कुल, मैं अपने घर में भी बेटियों के साथ भी शेयर करती रहती हूँ, तो हंसने लगते हैं कि बस बस हम आपका आयुर्वेद बहुत सुन लिया। ऐसा तो रहता ही है जी। बहुत अच्छा लगा मैम आपका तारीफ सुन। थैंक यू सर, थैंक यू, आप बताते जा रहे हैं और हम सीखते जा रहे हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा सर। तो अभी आप सब लोग डिनर करके सो जाइए, सुबह माधव निदान क्लास में मिलेगा। अभी का सेशन बंद करता हूँ, क्योंकि अनुरिता मैम आई है, मुझे उनको भी देखना है, उनके कोई पेरेंट्स या कोई तो आए हैं, तो मुझे जाना है। तो थैंक यू आप सभी लोगों का, प्रणाम सभी लोगों को, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। प्रणाम सर, प्रणाम, शुभ